अरे अरे अम्मा, ये क्या कर रही हैं? अरे कूड़ेदान में बिटिया कूड़ा डाले और क्या कर रहे हैं? देखिए बिटिया, सफाई हमने रखी है कि नहीं रखी है। अम्मा, सफाई की आदत तो बहुत अच्छी है, लेकिन खाने वाला कूड़ा सिर्फ काले वाले कूड़ेदान में ही पड़ना चाहिए। देखिए, काला वाला कूड़ेदान आपके पीछे रखा हुआ है। अच्छा, ये नीला, पीला, लाल, ये किस लिए रखा है? ये भी तो कूड़ेदान है, इसमें क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि इन कूड़ेदानों में संक्रमित कूड़ा ही डाला जाता है, जैसे कांच, रुई, पट्टी, ग्लास, रबर, जिसमें खून और मवाद लगा होता है। असंक्रमित कूड़ा जैसे अवशेष खाद, चाय के कप, ग्लास इत्यादि को काली डस्टबिन में डालना चाहिए। ऐसा करने से हम संक्रमण को रोक सकते हैं। अच्छा भैया, हम ये कचरा काले ही कूड़ेदान में अब डालेंगे और अब हम ऐसे ही अपने आप को इन सब बीमारियों से बचाएंगे। हाँ, काले कूड़ेदान में केवल असंक्रमित यानी सामान्य कूड़ा, जैसे खराब भोजन, फल, बोतलें, पॉलिथीन पैकेजिंग, अखबार, कागज, गत्ता या फिर किसी अन्य प्रकार की पैकेजिंग इत्यादि ही डालें। संक्रमित कूड़ा जैसे इस्तेमाल की गई ऑयल्स, प्लास्टर, दस्ताने, प्लास्टिक सिरिंज, खून या पस से सनी हुई पट्टियां, रुई, टूटी हुई दवा की शीशियां या कांच की बोतलें हरगिज न डालें।